हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। आगे वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। सो गाइस, यहाँ देख सकते हैं मैं नया सर्वर पे स्टार्ट कर चुका हूँ। ये वीडियो मतलब जो शुरुआत की वीडियो है, जो सर्वर स्टार्ट करने की वीडियो, ये मैंने बाद में बनाई है, एक दिन बाद में, यानी 13 दिन बता रहा है ऐसे, बाकी 12 दिन। तो ये ग्लोबल न्यू पे रैंक्ड मोड पे ग्लोबल न्यू टेक लिस्ट 936 पे मैंने स्टार्ट किया है। तो आप लोग को जिसको प्ले करना है आ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं लिखा हूँ तो वैसे ही लिखेगा। टी कैपिटल रहेगा और सब स्मॉल, फिर डैश दे के, फिर एल कैपिटल और फिर सब स्मॉल, फिर 936 लिख दीजिएगा। तो मैंने वीडियो काफ़ी स्किप मारा है क्योंकि इतना वेस्ट था, उतना कुछ दिखाने को मतलब नहीं था, कोई देखता भी नहीं। वैसे मेरा वीडियो कोई फुल तो वॉच करता है नहीं, तो इसीलिए मैंने जितना और छोटा रहे उतना ही अच्छा है। तो हाँ, मैं एक बंकर बेस बनाने की मतलब एक बंकर रूम बनाऊंगा मैं यहाँ पर, वही ट्राई कर रहा था बनाने का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बंकर रूम मेरा लग चुका था यहाँ पर। यहाँ पर मैं रखूँगा कुछ मतलब, मान लीजिए अगर हमारा घर कोई रेड कर देता है, अगर वो इस रूम तक नहीं पहुँच पाता या पहुँच जाता है, उसको नहीं पता चलता है कि यहाँ अंडरग्राउंड मतलब बंकर है, बेस है, तो हमारा लूट बच सकता है यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग मतलब कुछ लार्ज स्टोरेज चेस्ट डालकर यहाँ पर जो मेन लूट होती है अपनी, ज़्यादा जो ज़रूरी लूट है, मतलब अगर कोई बेस रेड कर देता है तो उसके बाद हम रिकवर होने में जल्दी, जिससे हम लोग रिकवर जल्दी हो जाएं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये लगा रहा था बंकर बेस। ये एकदम पूरा मेरे स्टार्टर बेस का, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा एकदम उसी की तरह है, बस मैं यहाँ पर साइड से दो बेस और बढ़ा दिया है, मतलब दो स्क्वायर बेसेस बढ़ा दिया है। वो जो मेरा स्टार्टर बेस था वो 4 स्क्वायर बेसेस पे था और साइड साइड में मैंने ट्राइंगल सीलिंग, अरे मतलब ट्राइंगल बेसेस डाल के वॉल्स डाल दी थी। तो यहाँ पर बस वैसे ही है, बस यहाँ पर 4 स्क्वायर बेसेस नहीं है, यहाँ पर 6 स्क्वायर बेसेस है, मतलब एकदम उसी की तरह, बस 2 स्क्वायर बेसेस का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक में बंकर रूम रहेगा हमारा और एक को मैं ऐसे ही बंद कर दूंगा और उसमें रूफ डाल दूंगा वैसे करके। तो यहाँ मैं अपना रूम बना था, यहाँ पता नहीं कोई लग नहीं रहा था, वो ट्राइंगल बेस नहीं लग रहा था यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं जितनी भी वॉल्स थी मैंने, जो अंदर की साइड रहेंगी, जिससे हम बाहर से नहीं, बाहर या अंदर से नहीं अपग्रेड सकते, जो बीच में है, इसके लिए हमें वॉल्स तोड़ के अपग्रेड करना था। तो जो जो बीच में वॉल्स थी तो उसे मैंने अपग्रेड कर दिया, और जो बाहर अंदर की तो वो तो मैं बाहर अंदर से भी कर सकता हूँ, लेकिन जो बीच के वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए मुझे वॉल्स तोड़ने पड़ेंगे। तो या फिर कैबिनेट से ही कर सकता हूँ, और कैबिनेट से मतलब करना तो बहुत ज़्यादा मांगता है स्टोन, तो उतना स्टोन एक बार में कलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड करते रहेंगे तो वो सही रहता है अपने लिए। तो इसीलिए मैं जो है देख सकते हैं जहाँ हम पहुँच सकते हैं, यहाँ जो साइड साइड की छोड़ी है मैंने, वहाँ पे हम लोग पहुँच सकते हैं बाहर से, देख सकते हैं यहाँ से, और जो बीच में नहीं पहुँच सकते हम लोग, ऐसे वॉल लगा दिया जैसे मैंने, तो तब नहीं पहुँच सकते ना, तो इसीलिए बीच की मैंने स्टोन की पहली अपग्रेड कर ली। आप लोग भी यही करिए, मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा, अच्छा रहेगा। मैंने स्टार्टर बेस में भी यही किया है, अगर आपने मेरे स्टार्टर बेस की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। Do I love the touch but never love the feeling?
फैमिली सीलिंग लगाते साथ ही अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि मैं डबल हाफ वॉल डालूंगा यानी डबल सीलिंग करूंगा, यानी पूरी इस सीलिंग को मिला के दो और सीलिंग यानी तीन सीलिंग हो जाएंगी। तो यहाँ कॉर्नर रूफ नहीं लग रही थी मुझसे, तो मैंने कुछ सीलिंग्स को डिस्ट्रॉय करके फिर लगाया तो लग गई। यहाँ मैं कॉर्नर रूफ लगा रहा हूँ क्योंकि डबल प्रोटेक्शन रहेगी। अभी अपग्रेड नहीं किए क्योंकि स्टोन लैग कर रहा था, स्टोन कम पड़ गए थे, तो अभी मैं बाद में करूँगा अपग्रेड। देख सकते हैं यहाँ से दिख रहा था अंदर का कि यहाँ पे सीधा बंकर है, तो मुझे उसके लिए कुछ अंदर करना था तो मैं अंदर गया फौरन कि वो कुछ ऐसा कर दो कि दिखे ना बाहर से। वहाँ बीच में से दिख रहा था दो बेसेस के, तो मैं फाइनली यहाँ पर इसको डिस्ट्रॉय किया। देख सकते हैं अंदर से भी दिख रहा था बाहर का, तो मैंने यहाँ पर सीधा हाफ वॉल नहीं डाली, गार्ड डाल दिया, जिससे देख सकते हैं अब एकदम ब्लॉक हो गया था, नहीं दिख रहा था। तो यहाँ मैंने दो लार्ज स्टोरेज चेस्ट क्राफ्ट किए हैं, एक मैं यहाँ रखूँगा बंकर रूम में और एक अंदर रखूँगा जहाँ डबल शेफ रखा, आप लोग ने देखा होगा कैबिनेट रूम में, वहाँ मैंने एक डबल शेफ रखा, एक वहाँ पर रखूँगा लार्ज स्टोरेज चेस्ट। देख सकते हैं मैंने पूरा अपग्रेड कर लिया, यहाँ पर डबल हाफ वॉल्स डाल रहा हूँ अभी मैं, अभी देखिएगा आप लोग को यहाँ पे वीडियो स्किप होगा, अभी आप देखिएगा मैं डबल हाफ वॉल डाल रहा हूँ। ये एक सिंगल हाफ वॉल, एक देख सकते हैं यहाँ एक हाफ वॉल डाल के देख सकते हैं, दूसरी हाफ वॉल डाल के मैं सीलिंग डाल रहा हूँ। देख सकते हैं क्योंकि नीचे वाली जो थी वो अपग्रेडेड थी स्टोन की, नीचे से जो है वो स्टोन की अपग्रेड नहीं है, तो यानी मैं एक हाफ वॉल डाल चुका हूँ, सीलिंग डाल के एक और डाल दिया। अब यहाँ मैं ट्राइंगल सीलिंग, अरे हाँ ट्राइंगल सीलिंग लगाऊंगा जिससे कोई ऊपर न चढ़। और यहाँ देख सकते हैं मेरा फ्रेंड ऑनलाइन हो गया था, तो वो भी ज्वाइन कर लिया था मेरा सर्वर, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी एक्सटर्नल वॉल्स डाल दी है, रूल्स डाल दिए है, मतलब पूरा हम लोग सिक्योर कर लिया। अगर हम लोग होगा ट्राई करेंगे रीस्टार्ट बैचेस लेने की इसके अंदर, देख सकते हैं यहाँ टेबल भी लगा दिया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप कि गाइस आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।